आदमी 500 आदमी अगर एक घंटा करके काम करेगा तो कितना घंटा 500 घंटा है ना, कितना आवर्स मिल रहा है। अगर 500 इंटू देखिए 500 इंटू 100 करके पर घंटा मेरे को मिलेगा तो कितना मिलेगा, नॉर्थ में 500 काम कर रहा है, मैं इधर आप लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरा नीचे 500 आदमी काम कर रहा है, वो भी एक घंटा दे के, वो लोग एक घंटा दे रहा है लेकिन मेरे साथ एक्यूमुलेशन होके कितना हो रहा है 500 आवर्स। 500 आवर्स में अगर पर घंटा में मेरे को 100 रुपया मिलेगा तो कितना कितना मिलेगा 5000। हाँ सॉरी 50,000। तो ये होता है नेटवर्क, मतलब नेटवर्क बिजनेस में क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई होता है, और टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तब आपका इनकम मल्टीप्लाई होगा, और जब आपका इनकम मल्टीप्लाई होगा तब आपका ड्रीम भी पूरा होगा और आपका ड्रीम भी आप सक्सेस कर सकता है। तो यही एक तरीका है जो नेटवर्क बिजनेस में कर सकता है, और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑल इंडिया में 24 आवर्स है ना, किसी के पास तो ज़्यादा नहीं है लेकिन किसी के पास देखिए करोड़ों रुपया है और किसी के पास रुपया नहीं है, क्यों किस लिए, क्योंकि ये चार फॉर्मूला हम लोगों का समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ये इसमें जाना है और BMW कार लेके घूमना है तो एक ही तरीका है जो नेटवर्क बिजनेस करना पड़ेगा। अभी आप कर रहा है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आप आज नहीं कर रहा है तो आने वाला दिन में आपको बाय डिफॉल्ट इसमें करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है, आज आपको इस महीना चलाने के लिए चाहिए आपको लाखों रुपया, 1,00,000 रुपया, लेकिन आज आपका इनकम कितना आ रहा है 30,000-40,000, आप कितना घटा चल रहा है, कितना माइनस में चल रहा है 60,000 माइनस में अगर चल रहा है तो आने वाला दिन में देखिए इससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम आपका सामने आ जाएगा। तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है जो नेटवर्क बिजनेस, और जिसमें टाइम मल्टीप्लाई होता है, और टाइम मल्टीप्लाई होने के बाद आपका रुपया भी मल्टीप्लाई होगा, रुपया अगर मल्टीप्लाई हो गया तो आपका ड्रीम भी सपना और जितना आपका काम है वो सब आप पूरा कर सकता है। तो इसीलिए मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा, वो रोबोट टिश्यू का ही है। मैडम थोड़ा अच्छा सा देखिए आप लोग सब भी, एक तरीका है रोबोट टिश्यू एक बोल रहा है, एक सपोज पकड़ी है कोई एक कोई एक कंपनी शुरुआत होता है, कोई एक कंपनी शुरुआत होता है तो सपोज मैं पकड़ लिया ये 2000 में कोई एक्स कंपनी स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुआ है, और हम सभी को पता है कोई किसी का अगर जन्म होता है तो उसका एंड भी होता है, मतलब मृत्यु भी होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में अगर कोई कंपनी 2000 में जन्म हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ये क्या करेगा, ऐसे 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 आगे बढ़ेगा, एक ऐसा भी टाइम आएगा, एक ऐसा भी समय आएगा जिसमें वो नीचे गिरेगा, ये होता है ना डायग्राम, ये डायग्राम में दिखा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि 2000 में एक कंपनी शुरुआत हुआ था, उसका बढ़ते 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 ऐसा एक टाइम आ गया उसका वो भी नीचे गिरने का है, क्योंकि इस सिस्टम ही ऐसा है, इस वर्ल्ड में ऐसा ही एक सिस्टम है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसमें सभी को एक दिन गिरना ही पड़ेगा, डाउन होना ही पड़ेगा। आज हम बढ़ रहा है तो ऐसा भी मेरा एक एज आएगा जिसमें हम बूढ़ा भी होंगे, है ना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई कंपनी सपोज पकड़ी एक्स एक कंपनी स्टार्ट हुआ था 2000 में, और उसमें ये कंपनी शुरुआत हुआ था, और कोई कंपनी का शुरुआत में फोर टाइप्स का स्टेज होता है। तो रोबोट टिश्यू का फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई कंपनी अगर शुरुआत हो गया
तो ये फोर स्टेप, फोर स्टेप फोर स्टेज होता है कोई एक कंपनी शुरुआत में। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा एक राज छुपा है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए कोई कंपनी एक 2000 में शुरुआत हुआ था, और ये कंपनी शुरुआत में जो फोर स्टेज है इसमें एक शुरुआत से फर्स्ट स्टेप तक इसमें क्या कहता है, इनिशियल स्टेज IS, सेकेंड कहता है GS मतलब ग्रोथिंग स्टेज। सर जा रहे हूँ, दो मिनट मैं खत्म कर रहा हूँ, दो मिनट मेरा शॉप पे बहुत एजेंट है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, खराब मत होइए। ओके बाबा, ठीक है, वीडियो बता दो। थर्ड होता है शुरुआत जो स्टेज होता है, ये इनिशियल स्टेज होता है, और सेकेंड होता है ग्रोथिंग स्टेज, और थर्ड होता है उसका मेंटेन MS स्टेज, और फोर्थ होता है अल्टरनेट स्टेज। मतलब एक स्टेज से और दूसरा एक स्टेज तक जाने के लिए 5 years लगता है, फाइव ईयर्स। इसमें कितना हुआ, शुरुआत से इसमें 5 years, और यहाँ से यह 5-10 years, यहाँ से यह 15 years, और यहाँ से यह 20 years, am I right? तो ये क्या होता है, शुरुआत से कोई स्टेज 5 साल तक कोई एक कंपनी का फर्स्ट स्टेप होता है इनिशियल। मतलब इनिशियल क्या होता है, हम जब कोई किसी का जब मतलब शुरुआत होता है तो वो खुद अपने आप के लिए कुछ कर नहीं सकता है, तो दूसरे का सहारा होना चाहिए, दूसरे का मदद चाहिए। तो उसके लिए उस टाइम में क्या होता है, उसका बढ़ता है, मतलब दूसरे का सपोर्ट से वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। और सेकेंड होता है ग्रोथिंग, उस टाइम में क्या होता है जब उसका 10 साल हो जाता है, कोई भी एक बच्चा देखिएगा 10 साल का, तो वो 10 साल का बच्चा क्या करता है, अपने आप खुद सब कुछ कर सकता है, राइट, कर सकता है। तो 10 ईयर्स का जब हो गया, वो अपने आप का जो अच्छा बुराई वो सब कुछ मतलब उसको मालूम होगा। 15 ईयर्स मतलब 15 साल जब होगा, उसका बहुत सारे ऐसे भी टाइम आएगा, वो अपने आप खुद को महसूस कर सकेगा। ऐसे करके 20 साल जब हो गया, वो उसका फ्रीडम उसको मिल गया। ये कंपनी में भी ऐसा होता है, कोई कंपनी अगर शुरुआत हो गया, ये फर्स्ट टाइम होता है 5 ईयर्स इनिशियल स्टेज, सेकेंड होता है ग्रोथिंग स्टेज, थर्ड होता है मेंटेन स्टेज, फोर्थ होता है अल्टरनेट स्टेज। मतलब ऐसा भी एक टाइम आता है जो लास्ट में वो कंपनी दूसरा कुछ सोचना जरूरी हो जाता है। अभी हम लोग का केबी ईशान जो है, केबी ईशान का शुरुआत यही है, शुरुआत इसके अंदर है, क्योंकि अभी 2 साल हुआ है, 2 साल हुआ है केबी ईशान का। और रॉबर्ट टिशू बोल रहा है, अगर कोई बंदा नेटवर्क बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वो इसमें जुड़ता है तो करोड़पति होता है, सेकेंड स्टेप में जुड़ता है तो लाख, थर्ड में जुड़ता है तो वो 1000, और फोर्थ में होता है तो 0, यानी मतलब 1000 रुपया और 100 रुपया मिलता है लास्ट में। मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई अगर कोई कंपनी में अगर आप शुरुआत में जुड़ेंगे तो आप करोड़पति होने का चांस आपके पास है, और सेकेंड 10 ईयर्स का कोई कंपनी के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको लाखपति होने का चांस है, और 15 ईयर्स का कोई कंपनी के साथ आप जुड़ेंगे तो आपके पास 1000 रुपया कमा सकता है, जैसे 50,000, 60,000, 80,000, 1000 का अंदर आप कमा सकता है। और जब कोई कंपनी का 20 साल हो गया तो अब आप जुड़ेंगे तो आप 1000 से ज़्यादा कमा नहीं सकेंगे। तो इसीलिए रॉबर्ट टियोसा का जो फॉर्मूला है ये इसीलिए बोल रहा है, अगर नेटवर्किंग में आप शुरुआत में जुड़ेंगे तो ये कंपनी जब तक 15 ईयर्स या 10 साल हो जाएगा तब तक तो आपका नीचे
करोड़ों लाखों आदमी आ चुका होगा, और अगर लाख और करोड़ आदमी आपका नीचे आ गया तो पर आदमी से अगर 100 रुपया अगर कभी आपको मिल रहा है तो आपके पास ऑलरेडी करोड़ रुपया आ गया। तो इसीलिए कोई नेटवर्किंग कंपनी में जुड़ने से पहले सबसे अच्छा बात है आपको देखना होगा ये कंपनी का कितना साल चल रहा है और कितना साल हुआ है। तो इसीलिए अगर हम 15 साल का कंपनी के साथ अभी जुड़ेंगे और बोलेंगे हम करोड़पति होने का सपना रखेंगे, उसमें कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं है। और आप जहाँ भी जाएंगे उधर का वही कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा। अभी देखिए संडे जो थोड़ा पहले बोला था, दूसरा कंपनी था जिसका नाम है बेस्टिस कंपनी, उसका 15 साल अभी रनिंग चल रहा है। अगर सर उसी कंपनी में रह के करोड़ों का सपना देखता तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई जगह ही नहीं है जिसमें खाली है और सर जाके उसमें प्रोडक्ट सेल करेगा, जगह ही खाली नहीं है। और हम लोग का केबीशन का इनिशियल स्टेज मतलब शुरुआत है, अभी भी शुरुआत है। इंडिया का ऐसा बहुत सारे जगह है जिसमें अभी तक केबीशन का नाम भी पता नहीं है। तो अगर ये कंपनी में आप अभी आप जुड़ेंगे तो करोड़ों और लाखपति कमाने का सपना आपका हाथ में है, आप पूरा कर सकेंगे। तो इसीलिए हम आप लोगों को सबको इनवाइट करेंगे, क्योंकि कंपनी का इनिशियल स्टेज है और आप अभी जुड़ेंगे तो करोड़ों लाखपति आप कमा सकता है। जहाँ भी जाएंगे आपको खाली मिलेगा और वहाँ जाके आप बिजनेस कर सकता है। और उसके लिए जस्ट आपको क्या करना पड़ता है, लेफ्ट एंड राइट दो साइड में दो बंदा को देना पड़ता है, और दो बंदा इसको बोलना है आप दो दे दो, इसको बोलना है आप दो दे दो, और इसको बोलना है आप दो दे दो। ऐसे करके इंडिया में लाखों मेंबर्स है जिसको अभी तक मैंने हो सकता है 100 को भी मैं पहचानता नहीं, लेकिन मेरा नीचे लाखों मेंबर है जो काम कर रहे हैं मेरे लिए नहीं, उन लोगों का सपना उन लोगों का जो ड्रीम है वो पूरा करने के लिए वो तो लोग काम कर रहा है। और जरिया है हम शुरुआत कर दिया था ना, तो कोई सब अपने अपने फायदे के लिए दौड़ रहा है। और अभी लाखों मेंबर्स आ गया जिसका नाम भी मेरे को पता नहीं है। तो यही होता है नेटवर्क, और कुछ ऐसा नहीं है आपको 100 और लाखों आदमी जाना पड़ेगा कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं है। आप दो आदमी जुड़िए और उन दोनों को बोलिए आप दो जुड़िए, और उन दोनों को भी बोलिए आप दो जुड़िए। ऐसे करके जब मल्टीप्लाई होगा, सपोज पकड़िए आपका नीचे 20 आदमी हो गया, तो 20 को आप अगर दो आदमी करके बोलेंगे तो कितना होगा, 40 राइट, 40 आदमी को बोलेंगे दो कितना होगा, 80 को जब आप दो बोलेंगे 160 आया ना। यही होता है मल्टीप्लाई, इसको कहता है टाइम मल्टीप्लाई। नेटवर्क में क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई होता है, और टाइम मल्टीप्लाई होने से आपका इनकम भी मल्टीप्लाई होगा। आज आप बोल नहीं सकता है, सर को मैं थैंक यू बोलूँगा क्योंकि सर ने 2 साल पे आउट देखा है इसलिए सर बोला है, और मेरे से भी ज़्यादा हम लोग का जो नेशनल प्रोमोटर है।